राम राम, मैं हूं मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल प्रोसेस रिएक्शन में। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में बताया था कि साकिब खान अपनी अपकमिंग मूवी दर्द की इंडिया में शूटिंग कंप्लीट करके अपने देश बांग्लादेश पहुंच गए और वहां पे उनके फैंस के द्वारा मीडिया के द्वारा इतना ह्यूज वेलकम किया गया, उसी को लेके एक वीडियो सामने आया है। तो सबसे पहले हमें वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइज, ये था वीडियो और लिटरली मतलब भीड़ लगी हुई है और ऐसी मतलब मैंने अपने कल के वीडियो में भी बताया था कि जब साकिब खान लैंड भी नहीं हुए थे तब भी लोगों की भीड़ लगनी स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि सबको पता था कि साकिब खान वापस आ रहे हैं अपनी मूवी की शूटिंग पूरी करके। और लिटरली मतलब पिछले एक महीने से वो इंडिया में ही थे, अपनी मूवी की शूटिंग कर रहे थे और अब वो पहुंचे हैं ढाका। और मुझे लग रहा है कि अब वहां पे भी जो थोड़ा बहुत जो पार्ट बाकी रह चुका है इस मूवी का वो वहां पे शूट होगा। और सोनल मैम भी जल्दी ही बांग्लादेश जाने वाली है, ये भी कुछ ना कुछ मतलब सोर्सेज से मुझे अपडेट मिली है। लेकिन अभी तो साकिब खान पहुंचे और उनका इस तरीके से वेलकम, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो वीडियो हमने देखा ये तो साकिब खान उन्होंने खुद ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे डाला है, लेकिन कई सारे न्यूज चैनल्स है जिसमें साकिब खान का जो यूज वेलकम हुआ है वो दिखाया जा रहा है। और उन्होंने भी अपने मतलब फैंस को बताया है अपनी अपकमिंग मूवी के बारे में और इतना ज्यादा प्यार लोगों से मिला क्योंकि बांग्लादेश के सुपरस्टार है साकिब खान और उनको इंडिया में तो वेलकम मिला ही मिला, लेकिन अब वहां पे भी लोग उनको इतना ज्यादा ऐसे वार्म वेलकम दे रहे हैं कि भाई ठीक है हमारा स्टार वापस आया है और तो इंडिया मतलब, स्टार हो चुके हैं अब वो तो अच्छा। और मतलब जब मीडिया वालों ने भी उनसे पूछा वहां पे कि आपको इंडिया में कैसा लगा तो उन्होंने भी यही बात बोली कि मैं जहां जहां पे गया इंडिया में, मुंबई गया, वाराणसी गया और भी बहुत सारी जगह गए, तो वहां वहां मुझे मतलब वेलकम बहुत अच्छी तरीके से किया गया। वहां पे भी मेरे जो फैंस है वो मेरा वेट कर रहे थे, उनको एयरपोर्ट पे कई सारे फैंस मिले इंडिया में, उन्होंने मतलब सेल्फीज ली, फोटोज ली उनके साथ, कई सारे यूट्यूबर्स थे जो मतलब जैसे हमारा रिएक्शन चैनल है तो ऐसे भी कई लोगों का रिएक्शन चैनल है, वो भी उनसे मिलने के लिए वहां गए। तो ये इतना अच्छी तरीके से साकिब खान उनसे मिले, मतलब इतना डाउन टू अर्थ है ना ये स्टार, नहीं तो ऐसे होता है कि थोड़ा सुपरस्टार नहीं तो ऐसा होता है कि भाई थोड़ा घमंड रहता है या फिर अच्छे से नहीं मिलते काफी लोग, लेकिन ये सच में बहुत डाउन टू अर्थ है। जितने भी हमने वीडियोस देखे उनमें इतना वार्मली ये अपने फैंस और जो मतलब इस वीडियो में मुझे एक बात काफी अच्छी लगी कि जो फैंस उनको मिलने के लिए भागते हुए आ रहे लेकिन फिर भी उनके फेस पे जो एक स्माइल है वो मतलब कंटिन्यू आने से मतलब आने के बाद और जब तक वो इतने सारे इंटरव्यूज कर रहे थे उनके फेस पे एक बहुत ही अच्छी स्माइल थी, जो जो उनको सवाल पूछे जा रहे थे उनके वो मतलब बिल्कुल बराबर जवाब भी दे रहे थे। सो ये मतलब मुझे देख के काफी अच्छा लगा कि एक स्टार को इतना ज्यादा माना जाता है अपने देश के अंदर कि सारे लोग उनका वेट कर रहे थे कि वो कब मतलब वापस से आ रहे, और सबको खुशी हो रही है कि वो पैन इंडिया लेवल पे काम कर रहे हैं। बांग्लादेश में तो वो काम कर ही रहे थे लेकिन इंडिया में आके वो पैन इंडिया लेवल पे मूवी लेके आ रहे हैं, तो ये बड़ी खास बात है। और अब मतलब एक दो दिन के अंदर और भी बहुत सारी अपडेट आने वाली है कि भाई मतलब सोनल मैम कब बांग्लादेश आने वाले और फिर इस मूवी का प्रमोशन भी स्टार्ट होगा, तो इसके लिए भी मैम बांग्लादेश जाएगी। तो जो भी आगे अपडेट रहेगी वो हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, और आप इस मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, भी करते हैं इस वीडियो का। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना, अपना सपोर्ट इस चैनल पे बनाए रखना। सब मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।